एक बार फिर पिछड़ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे पर दिख रहे हैं ठंडे। जयंत चौधरी किसानों की पिच पर मार रहे छक्के। सपा नेताओं के लापरवाह रवैये से कार्यकर्ताओं में गुस्सा। जिस मुद्दे से सपा को मिलती मजबूती, उसी पर सुस्ती क्यों? कार्यकर्ता बोले, ये सुस्ती करेगी सपा का ही नुकसान। जयंत चौधरी की तरह आखिर पंचायतें क्यों नहीं कर रहे अखिलेश यादव? अक्सर अखिलेश यादव पर सियासी जानकार सवाल उठाते हैं कि अखिलेश यादव मुद्दों को लपकने में फेल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सियासी मौके आए जिनसे सपा एक अलग पहचान बना सकती थी और मजबूती ले सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव की गलती कहें या सलाहकारों की गलत सलाह का नतीजा कि हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लकीर पीटती ही दिखाई दी। फिर चाहे वो सोनभद्र के किसानों का मुद्दा हो, झांसी के पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर का मुद्दा हो, हाथरस गैंगरेप मामला हो या फिर अब किसान आंदोलन का मुद्दा हो। हालांकि इस मुद्दे पर हर रोज ट्वीट तो दिखते हैं, लेकिन अगर नहीं दिखती तो सपा नेताओं की किसान नेताओं के साथ मुलाकात, उनके हक में सपा नेताओं की पंचायत। कहने को समाजवादी घेरा कार्यक्रम चल रहा है, किसान यात्रा के नाम पर भी खानापूर्ति हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मामले पर और भी कुछ करना चाहिए। बीच में खबर उड़ी थी कि अखिलेश यादव राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर जाएंगे, लेकिन फिर सपा आलाकमान ने ही इस मामले को ब्रेक करने वाले पत्रकारों से खबर तक हटाने के लिए फोन किया, ऐसा कई पत्रकार साथियों से पता चला। वहीं अगर अखिलेश यादव के ही साथियों में शामिल आरएलडी के जयंत चौधरी को देखा जाए तो जयंत चौधरी इस मामले में काफी सक्रिय दिख रहे हैं और जिस तरह से पंचायत पर पंचायत कर रहे हैं वो बताता है कि जयंत चौधरी को एहसास है कि किसानों के मुद्दे पर पार्टी को आसानी से मजबूती दी जा सकती है और यही वजह है कि जयंत चौधरी 26 जनवरी के बाद से लगातार पंचायतों में शामिल हो रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी का कहना है कि वो सियासत के लिए पंचायतें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत देखी जाए तो सब जानते हैं कि इतनी सक्रियता किस लिए जयंत चौधरी बरत रहे हैं। जयंत चौधरी की सक्रियता जैसी सक्रियता की उम्मीद सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव से भी करते हैं। सपा कार्यकर्ता भले ही खुलकर ये बात न कहते हों, लेकिन उनका साफ मानना है कि अगर यही हाल रहा तो हम बीजेपी को 2022 में टक्कर तो दे पाएंगे, लेकिन सरकार बनाने में शायद फेल हो जाएं। वहीं बात की जाए सपा के नेताओं की तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जैसे नेता अखिलेश यादव को सलाह देने की बजाय अपनी अनर्गल बयानबाजी कर पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं, जिसमें शिवपाल सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता के ही अस्तित्व को प्रोफेसर साहब नकार रहे हैं, जबकि प्रोफेसर साहब के जनाधार और सियासी वजूद का सबूत तो 2019 लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद में देखने को मिल गया था, जहां लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने बेटे अक्षय यादव को जिता नहीं पाए और प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब उन शिवपाल सिंह यादव के सियासी अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं जो खुद परछाई की तरह नेताजी के साथ लगे रहे और शिवपाल सिंह ने नेताजी के साथ मिलकर सपा को इस लायक बनाया कि प्रोफेसर साहब जैसे नेता मलाई खा रहे हैं। ऐसे में अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव को जहां अपने और पराये की पहचान करने की जरूरत है, साथ ही ये जानने की जरूरत है कि किससे फायदा और किससे नुकसान है, तो वहीं सियासी सलाहकारों के साथ साथ मीडिया एडवाइजर्स को भी बदलने की जरूरत है और स्वविवेक से जितनी जल्दी फैसला लेना अखिलेश यादव शुरू करेंगे सपा को उतना ही फायदा होगा, वरना 2022 में कहीं सपा को फिर से विपक्ष में न बैठना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।